अब बात जाम पर संग्राम की। जी हाँ, झारखंड में नई शराब नीति लागू होने के बाद से एक तरफ जहां पर राजस्व में कमी आई है, वहीं लोगों को मनपसंद ब्रांड भी नहीं मिल पा रहा। एकदम आगे बढ़ते हुए विपक्ष ने पूर्ण शराबबंदी की मांग कर दी और वहीं सत्ता पक्ष खामियों को दूर करने की बात कह रही है। नई शराब नीति ने बिगाड़ा बजट, मनपसंद ब्रांड मिलना भी मुश्किल, सूबे का सियासी पारा हुआ हाई। झारखंड में 2 मई से नई शराब नीति क्या लागू हुई, राजस्व में कमी के साथ ही आम लोगों का भी बजट बिगड़ गया। शराब के शौकीन लोगों को वाइन शॉप पर मनपसंद ब्रांड भी नहीं मिल पा रहा है। राजधानी रांची में संयोग वश कहीं मनपसंद बियर मिल भी रहा है तो उसके लिए दुगुने से भी ज्यादा कीमत अदा करनी पड़ रही है। बता दें कि अप्रैल 2022 तक बियर समेत शराब की बिक्री और रेवेन्यू की सीधी जिम्मेदारी निजी दुकानदारों की थी, लेकिन 2 मई से नई उत्पाद नीति के तहत ये जिम्मेदारी JSBCL द्वारा संचालित दुकानों को सौंप दी गई है। इसके बाद से ही बार संचालक शराब की किल्लत से परेशान हैं। तो खुदरा शराब विक्रेता संघ की माने तो इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। उसका बार प्लस दुकान में चाहिए था 75% बियर को उपलब्धता, लेकिन यहाँ पे 100-125 दुकान है और सरकार उपलब्ध कर नहीं रही है। मुश्किल से 10% दुकान में बियर उपलब्ध हो रही है। नहीं, सिर्फ कस्टमर जो ब्रांड रहता है वही देते हैं। कस्टमर लोग दो बात बोल के चले जाते हैं कि नहीं है, ये है, वो है, लेकिन जो ब्रांड रहता है हम लोग वही देते हैं कि अवेलेबल नहीं है, यही लीजिए। ये धंधा सरकार चलाएगी ये संभव नहीं, कभी भी नहीं संभव है। या तो सरकार चलाए तमिलनाडु के मॉडल पर, पूर्ण रूप से सरकारी बहाल करे, कर्मचारी बहाल करे। मामला शराब का हो और सियासत ना हो, भला ऐसे कैसे हो सकता है? बीजेपी ने नई शराब नीति की वजह से शराब माफियाओं के हावी होने का दावा किया है। बिहार की तरह ही बीजेपी ने सूबे में पूर्ण शराबबंदी कानून की मांग की, जिसे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की सहमति भी मिलती दिख रही है। वहीं JMM ने रेवेन्यू की गिरावट को चिंता का विषय बताया। मेरा ये कहना है कि शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए, तब ये माफिया और ये कम बेसी वाला बात ही नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह की टेंडेंसी है कि दाम बढ़ने से लोग कम पी रहे हैं, तो निश्चित रूप से शराब तो कम पीनी ही चाहिए। और राजस्व महत्वपूर्ण नहीं है, लोगों के जान महत्वपूर्ण है, लोगों की जिंदगी महत्वपूर्ण है। यदि राजस्व की नुकसान हो रहा है तब तो ये गंभीर मामला है, तो हमको लगता है कि राज्य सरकार इसका निराकरण भी अपने स्तर पर करेगी। हालांकि वित्त और विभागीय मंत्री की माने तो नीति पूर्ण रूप से लागू नहीं हुई है, अगर कहीं खामी है तो उसे जल्द दूर कर लिया जाएगा। पर कमेंट हम नहीं दे सकते, हम ही उसके भागीदार हैं। अगर नहीं रहते तो देते, हम तो उसके भागीदार हैं। लेकिन क्या रास्ता निकाल दिया जाएगा अगर राजस्व का नुकसान हो रहा है? निकलेगा रास्ता, निकलेगा। बियर का कमी हो रहा है, इस पर विभाग से बात करते हैं क्यों नहीं हो रहा, क्या कारण है? कारण तो हो सकता है, इसलिए इस पर अभी आप जानकारी दिए हैं, हम विभाग से बात करते हैं। बहरहाल नई नीति से शराब के शौकीनों के साथ ही शराब विक्रेता भी परेशान हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर शराब की किल्लत से शराब के शौकीनों को कब तक राहत मिलती है। कामरान, जी मीडिया, रांची।